बाहा बयस केते सर्वनिम्न विवाह बयस केते रहिबा दरकार देशरे मातृ मृत्यु हार कमेबा पई मोदी सरकार सर्वनिम्न विवाह बयस रे परिवर्तन करबा को चाहुचोते एते पई आरंभ हो जाई छि आलोचना एवं चर्चा। झीवों पर सर्वनिम्न विवाह बयस बदलवा नहीं चिंता करुछंती एबे मोदी सरकार 74तम स्वाधीनता दिवस अवसर में लालकिलारु एहा कहिछंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी झीवों पर विवाह सर्वनिम्न बयस केते हेबा उचित एरा समीक्षा करबा लागि गोटे कमिटी गठन करा जाय छि एवं ए कमिटी रिपोर्ट आसबा परे ए दिगरे निष्पत्ति निया जीव बोली प्रधानमंत्री कहिछंती। एबे भारत रे झीवों पर सर्वनिम्न विवाह बयस 18 वर्ष थिला बेले पुंक पई रहिछे 21 वर्ष झीवों सर्वनिम्न विवाह बयस बढ़ेबा पछरे लक्ष्य रही कि मातृ मृत्यु हार कमा जाय पारिबो शारीरिक एवं मानसिक स्तर में प्रस्तुत हो नथिबा बेले झीवों विवाह कर दि जाऊँ सेमानको माँ हेबाकु चाप पका जाउछि एहा फळरे शिशुर स्वास्थ्य प्रति विपद रहिथिबा आशंका रहिछि एहाकु लक्ष्य रखि सर्वनिम्न विवाह बयसकु परिवर्तन करबा लागि समीक्षा करा जाउछि। गत जून मासरे महिला एवं शिशु विकास मंत्रालय एवं उच्चस्तरीय कमिटी गठन करथिला ए कमिटी केन्द्र सरकारको तार रिपोर्ट देबो 2020 बजेट रे निर्मला सीतारामन मध्य सर्वनिम्न विवाह बयस नहीं अनुध्यान करने को टास्क फोर्स गठन करते बाहा को गुरुत्व कहीं दि जाऊँगी कि अनेक प्रकार आलोचना रही अनेक दिग को लेकिन रोज मो सहित दुईज अतिथि बर्तमान जोड़ी हे स्टूडियो उपस्थित बर्तमान मो सहित अच्छा सामाजिक कर्मी मोनालीसा गंतायत और मो सहित अच्छा अंतर्जातीय कराटेका वैलेना वैलेंटिना आप दुईज को बहुत बहुत स्वागत एवं सब बड़ कथा है जे प्रकृत रे ये गोटे जो आम जब देखिए आम राज्य मुझे परिसंख्यान कथा कह स्टैटिस्टिक्स कथा कह भी पाखापाखी 121 जन एमती अच्छा जो मानकर विवाह 18 वर्ष पूर्व कर दि जाऊँ जदिओ आमर आईन कहूँ 18 वर्ष ना बहुत कर दि जाए 14 रु 18 वर्ष हे तो अनेक क्षेत्र में ताठ कम एज्रे कर दि जाऊँ जबरदस्ती कर दि जाऊँ ये कौटना कौटी सत अच्छे ये सब को लेकिन जिते बड़े एमती गोटे मंत्रिस्तरीय कमिटी गठन कर नीति आयोग पाखे तार रिपोर्ट दाखल कर कि आम ये कथा कहींपर मनाली मैडम आपको आरंभ कराया चाहिए जी बाहाघर उपर झीओ मानकर स्पेशल नहीं कि एत गुरुत्व कहीं गुरुत्व कहीं दिखाई दिजा बहुत दरकार देखो आमर सामाजिक इटा एक्चुअली गोटे बाध्य ना किंतु सामाजिक चालीचलणी की जदि आप देखिए पर्टिकुलर इंडिया कनसेप्ट को जदि कह भारत गोटे एमती गोटे परंपरा रही आपण बाहाघर आज डेट्रे बाध्य ना क्या बाध्य करा हुए कि आपड़ बाहर बाध्य कितु कौटिना कौटी आमर से जो कहते विगत वर्षर पुराना परंपरा आम भितर एत बांधी अच्छी गोटे झीटे जो गोटे जन्म हुए प्रथम माँ बापा प्रथम भावती मो झी के कौट गोटे भलि बाहर से पाठ पढ़ा एजुकेशन टाक जितकी इंपोर्टेंट दिखती मैं मुझे प्रश्न कल खाली कहीदी आप मैंने अलग ने अलग अर्थ ये ये प्रश्न मोर ना ये प्रश्न था से 14-18 वर्ष भितर जो झील मान पकड़ विभिन्न प्रकार चाप पका से मूँ गोटे जो गोटे प्रकार सर्वे करा जाइतिला से माने प्रश्न करछन्ति आम पाई बेसी सुरक्षा दरकार आमे किमिति शिक्षा पाइबु सेटा दरकार आम पाई किभली भाबरे नियुक्ति सुजोग सृष्टि करा जइबो से कथा नै कि चिंता करा जाउने आम पाई विवाह कर दिया जइबो आम को किभली करा जइबो एटा काई चिंता करा जाउछि एटा गोटे डाटा खाली दौर आमर नेशनल ह्यूमन राइट कमिशनर 47.4% माने बिलो लेस देन 18 इयर्स झीओ माने मैरेज कर जो कहते चाइल्ड मैरेज माने भावंतु इंडिया रे तो लॉ तैयारी बहुत गुडे लॉ तैयारी आप 1955 रु नहीं स्टिल डेट पर्यंत आम लॉ रिफॉर्म भी करा चल गोटे पर गोटे लॉ चलुची से भितर किछि ना किछि गोटे कमी रहउची जोटे कि झीओ माने अंडर एज रे मैरेज कर दैट माने सरकार आम जो कौन आम डेवलपमेंट आड़क जाऊँ आम इम्प्रूवमेंट आड़क जाऊँ जो कथ कौ गोटे जिनस कि वायलेंस कमी हाउ एंड वायलेंस कमी सर एंड हम से जिनस सब फोकस रोचे जो प्रश्न आपड़ पचारे कि झील मैंने कहीं म्यारेज करदे छोट बेलू कहीं आमर सोसाइटी गोटे झीटे जेनेली जदि कह सेफ्टी केत फिल कर जानते ये गोटे प्रत्येक बापा मार चिंता कि मो झी जदि बाई जाए बोधे सी से सुरक्षित रहा है दिस इज द फर्स्ट कनसेप्ट रहे कि मो झी मोर इंडिया कनसेप्ट मो झीला
देला नारी हेला पारी बोझ एटा हमर गोटे झियो माने गोटे बोझ बट आजिर डेट रे कोन होउची ना सामाजिक परिवर्तन आसिलानी झियो माने एजुकेटेड हेलेनी झियो माने इकोनॉमिकली स्ट्रांग हेलेनी जेतेबेले गोटे लोक जणक परे बोझ हुए ना समस्ते ताकू माने कहंती केमती ये जीव किंतु आजिकलि झियो माने बोझ होनाती जो कांसेप्ट ताकू नरेंद्र मोदी बुझी चंती गोटे पर्टिकुलर एज 18 वर्ष सरुसुरु जदि आमे बाहागर कर देबा हमर गोटे स्टैंड हासुने माने आमे ठिया हे पारने बाहागर सासु घर लोक केते सपोर्ट करिवे से माने केते बापा घर आमु गोटे निजो को माने गोटे लेडी हिसाब से कहबी आमको गोटे बयस जो थी आमको निहाती गैप दरकार था कारण आप शारदा आक्ट जो रिफर्म है जानते हैं से 16 एज से रिफर्म जो 18 कर 1955 किछि त गोटे गैप हैला किछि त हैला किछि त गोटे परिवर्तन माने से भी गोटे गैप पुअंकर एज और झियंक एज भीतर भी गोटे गैप रहिला जोटा कि यूनिफॉर्म एबे हुए त सेटा हे जाय सेटा काई केला पान इंडिया रे हमर प्रत्येक जाति अछंती प्रत्येकर किछि गोटे माने आपण देखिबे स्पेसिफिक मैरिज एक्ट रे से 18 बट जेतबे गोटे कंसेप्ट नेला 18 वर्ष दियाला वोटर जेतबे आमे गोटे वोट दो जेको पुआ 18 वर्ष झी 18 वर्ष सेतबे गोटे कंसेप्ट आसला जदी आमे बाहागर को जदी गोटे यूनिफॉर्म तार ए ना भी रखला यूनिफॉर्म ऑफ ए मैरिज should be same age puro 18 puro 21 jor bhi 21 so that concept keto bale asila seta khali guti mu apanku kahi douchi amar gote judgement asithile actually gote pil file karthile pil file karthile that to be chief justice dn patel and justice hari shankar issued karthile notice karthile center government ko ki apana center government and law minister ko ki gote uniform apana lagu karantu india re ja dwara kon hobo apan mane jeto bale ame gote tar modhe gote doctor mane gote psychology rahuchi ki jeto bale puo ji angar same से बहुत दिजन को बैलेंस करि परिबे निजन को बुझि परिबे ये तो रहले आपण भलो कथा कहिले जोटा को नै कि वे तो वर्तमान में समान एज हे परे वैलेना वैलेंटिना मध्ये अछन्ते वैलेना मु पुनी बेसिक को आसी एक्चुअली मूल प्रश्न को आसी जे प्रकृति रे आमे झियों को बाहागर को नै कि जते व्यस्त होउ प्रकृति जी भारत आम समाज देखा ता भितर बहुत किछि अछि आमे तो बहुत अधिक भितर को पस परिबानी किंतु वर्तमान स्थिति को देखिले जो झियो मानकर प्रश्न रही छे एवं ये गोटे केते वेलकम स्टेप बोली कहि परबा ये 18 वर्ष रु 21 वर्ष जदि करा जिवो तले ये गोटे केते बडा आमे सहाय्य करिया को जाउ छे से झियो मानकु जो मानक पाखरे गोटे प्रकार चाप रहु छे जन पाखरे किछि उपाय रहुनी केमिति ये जाल रु मुकलिबे निश्चिंत मु मो मतरे 18 21 वर्ष जो कराई फर्स्ट बाहागर पाई जोटा निष्पत्ति नियाई सेटा गोटे राइट डिसीशन कारण गोटे एजुकेशन निहाती दरकार गोटे झीटे माँ हम कि बाहर तार से एजुकेशन थी दरकार शारीरिक तार फिजिकल स्ट्रेंथ भी थी दरकार तार मानसिक स्थिति भी ठीक रहा दरकार सीए समाज रीति रिवाज बुझुवा दरकार कि मु बाहर माँ हबी माँ हाँपी जो हेल्थ दरकार से 18 इयर्स एबव हेले स्लोली डेवलप करेंटा निहाती से गोटे भल जिनसपरबे सादी समस्ते ये चिंताधारा रखिए किंतु आम देखीजे बहुत केस रे बहुत कम एज रे झील को बाहा कर दिया दीजिए ड्यू टू से माँ बापा भाभी गोटे झील जन्म है तार सेफ्टी फर्स्ट तो सेफ्टी माना जी ताकू गोटे पुरुष निहाती दरकार रही जदि सी गोटे पुरुष सांगे रोची से लीगल वे रे बाहागर आम कौचे तो लीगल वे रखिया रखापी आमती बापाटे झील को सेफ्टी दौर बोली भावुची से भावुची जी मुझे बाहर देवी तो स्वामी ताको सेफ्टी देव आज मो घरे रोसे बस करके खाया को दौर काली घरे रोसे बस कर खाया को दबो तो स्लोली से मेन्टालीटी चेंज हाँ निहाती दरकार जो आर्टिकल सब बनुच्छे जुलाई 2 रे जो आर्टिकल आम बनी मैंने आर्टिकल 14 एक जो अच्छी राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू द माने इक्वालिटी मनीषंकर माने राइट टू आसी भी जो इक्वालिटी ये ऊपर जो आर्टिकल टा रही
आलोचना भितर फेरबा सामाजिक कर्मी अच्छा मोनालिसा मैडम सहित मैडम आम जमी कहते वालेना जो आम छाड़ी प्रकृत में जो सुरक्षा कथा चिंता करुचे सुरक्षा कथा चिंता करुचे ठीक अच्छे बाहर कर दिया बाहर दरकार ये आम जो सामाजिक रीतनीति अच्छे ये भी सब ठीक अच्छे कि कौ बयस बाहर उचित एवं गोटे झीटे जो निजक मानसिक भाव में शारीरिक भाव से प्रस्तुत होनी बाहर जो बयस पर्यंत ताको गोटे प्रकार चाप पकाऊ केवल बाहर करता धारण करने चाप पकाऊ ये मातृ मृत्युहार कहतु एपटे डोमेस्टिक वायलेंस जो सुरक्षा नहीं कि बापा माँ चिंता करती मो झा सुरक्षित रही सुरक्षित तो रहेनि कि प्रकार निर्यातना भोगे आगक जाए कि देखुचे समाज में तेनालीरु आम कहीपर गोटे ही गोटे रामबाण उपचार जे बयस को बढ़े दौचे आम टे स्पेस दौचे से झील को से निज गोड़ निजे ठिया हेबार क्षमता भी रखिपार एवं शारीरिक भाव से ग्रोन अफ हो पार आगे किसी कम्प्लिकेसन देखा जाए सी गोटे से ही स्टेज में पहुँची थी जो प्रकार सिचुएशन परिस्थिति सामना को आसुचे ताको भल भाव रे ताको टैकल कर परिबो एक्जेक्टली बंची परिबो आपण जहां भी कहिले माने जो कहते गोटे झील जिते आम सरकार 18 वर्ष करते लोक 16 वर्ष बाहर करते तो जिते लोक सरकार 21 वर्ष कर सुपारिश जाइए से सुपारिश में 21 वर्ष कले लोक कौटिना कौटी टी डर कारण आईन जिते गोटे एनफोर्समेंट हम ना से आईन भितर लोक बाहर करने डरवे और सरकार से दायित्व अच्छे मैडम गोटे कथ कहते आर्टिकल 21 कहते लाइफ एंड पर्सनाल लिबर्टी कथ कहते से कहते जिते आम कन्स्टिट्यूशन आमको देती राइट ऑफ इक्वालिटी अंडर द आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 रे लाइफ एंड पर्सनाल लिबर्टी आम जो निजर व्यक्तिगत चॉइस कर पारिबा से चॉइस जगार कोठी ना कोठी आमर संविधान अधिकार क्षुण्ण होता से चिंताधारा को मध्ये सरकार ये कले बट सरकार गोटे सबुठ महत्वपूर्ण कथा सरकार यटा को कहीं आखिरी आने आप देखो इनफोन मानने आईएमआर जब देखिए इनफाइनाइट मोरालिटी रेट देखिए सीटी आपे इंडिया इतने कम अच्छी मानने कौटिना कौटी मातृ मृत्युहार शिशु मृत्युहार आ गए मैटरनाल मोरालिटी रेट देखिए टोटाल इनफर्टिलिटी रेट जोटि शिशु मृत्युहार सेक्स रेशियो बर्थ एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो जोटा चाइल्ड सेक्स रेशियोटा आप कौन इंडिया रे जनरली समाज रे वर्तमान झीवों संख्या कमी कमी जाऊँ पुओं संख्या बढ़ी बढ़ी जाऊँगी आउ जो जो व्यवधान रोचे से व्यवधान आम सामाजिक व्याधि होगा समाज में बचाक हेल्ले परस्पर उभय लिंग जेंडर को इक्वल रखा पड़ो सामाजिक स्तर में इकोनॉमिक स्तर रे अर्थनैतिक स्तर रे बैलेंस रखबा पड़े आउ हां कोनरे प्रैक्टिस आपन बढ़िया कथा कहिले जे रखिया पड़बो स्थिति रे सामान्य सुधार आसे छि कने आपन देखंतु मातृ मृत्यु हर कहंतु फर्टिलिटी जे आपन कर कहिले इन्फेंटाइल मोर्टालिटी रेट बा फर्टिलिटी रेट जोटा कहउ छि सबुतरे स्थिति रे टिके तो उन्नति आसे छि आमे कहि परबा पॉजिटिव होउ छि किंतु ओरे बहुत अधिक आसीबा दरकार किंतु वालेना गुटे बडो जो सामाजिक जो व्याधि कहिलेनी कि मोनालिसा मैडम प्रकृत रे एबे बी ओनेरियल कंजर्वेशन हां यस बड़ कथा आपण कहिले कोन जंचोदी ना एबे आमे नियम कानून करिचे 18 वर्ष किंतु जो आम राज कथा जदि कहबा जो 121 जण को 14 रु 18 वर्ष बा ता तळ एज रे बाहा कर दिया जोची वाले ना सेमन को जगिबा पई विभिन्न कमिटी अछि सामाजिक कर्मी अछंती ऑफिशियल्स मध्ये अछंती तथापि लुची चोरे बाहागर कर दिया जाउची आमे ताकू केमिति अटकै परबा गोटे झियो जतले 14 वर्ष रे बाहा कर दिया जाउची से सेतिके मानसिक भाव रे सेतिके तार जोर आसुनी जे से बाधा दे परबा त बापा मां करियारे प्रैक्टिकली आमे कोन करै परबा आपण निजे जणे बहुत इंडिपेंडेंट बा स्वाधीन भाव रे निज को निजे ठिया करै परचंती वाले ना मु आपण को एथि पई पचारले कोन करा जे परबा केमिति आमे ई स्वाधीनतार आपण व्यक्तिगत स्वाधीनतार कथा कहउछो आर्टिकल 21 कथा केमिति मुंडरे पुरे परिवार झियंकर आज्ञा आज्ञा एक्चुअली आमर जेते बेले भी देखे आमे ग्रास रूट रु सरकार काम करूची बहुत गुड़े संस्था मध्य बनैची एनजीओ मध्य बनैची जो मैंने गाँव भीतर बहुत इंटरियर एरिया को जाइकी तंग मानको शिक्षा दोउचंती जे कम एज रे बाहा कले कोन कोन डिफेक्ट गोटे झियो फेस करिथाय तो मृत्यु हार से बढ़ुची बोली भी शिक्षा दि जाऊँ स्कूल मानक शिक्षा प्रदान कराई एनजीओ मध्यम तो सरकार तार गोटे पर गोटे स्टेप नौ किंतु यही चिंताधारा चेंज करिया कहले मीडिया आजिकल कौटि भी पहुँचला टीवी से देखने को पाँचे आप देखि गोटे मानने लेडिज जदि कनसेप्ट कला सरकार अंडा दौर छतुआ दौर आजिकल फ्री दिखे कारण हेल्दी रहा दरकार तो इंटेरियर एरिया बुझा दरकार गोटे माँ हाँपाई
गोटे झीटे कि लेडीजे सी बहुत सुस्थ शारीरिक भाव गोटे सुस्थ शरीर में गोटे सुस्थ जीवन बाहर मानते जीवन आसी पार बोली से आशा आम रखुचे तो से सरकार बहुत किसी प्रोत्साहन कारण ये बापा माँ को भी दोष दी पार आर्थिक क्षमता ना झील को बहुत किसी पाठ पढ़े पारे तीन चार झील अच्छा बड़ झील को बाहर करदे आहरी तीन जन अच्छा सपोज एम गोटे सिचुएशन है बापा माँ को भी आपड़ पारे ये जगह कौन कर प्राक्टिकली आम लोक मुंडे के पूरे दे पारिबा जे प्रकृति रे झियो माने केवल चुली मुंडु को जिबा पाई नुहंती ए माने बोझो नुहंती ए मान को कोन करले ए माने भी आपन को नाग को नै परिबे केमिति लोकन को मुंडरे से जो तळ स्तर रो लोक जोटी ए समस्या देखा दे आज कल एक्चुअली कलेनी आज कल आपन रूट लेवल रो लोक झियो माने कलेनी सेति पाई तो सोशल कॉन्शियसनेस आसिलानी सेई सोशल कॉन्शियसनेस आसिलानी बोली तो सरकार चिंता करलेनी आउ गोटे कथ कह आज जेनेसन आज हेल्ला दुईटा भाग सरकार मैंने आम मानते सामाजिक स्थित दि भाग में विभक्त होती गोटे धनी श्रेणी गोटे गरीब श्रेणी आ गोटे पाठ पढ़ा झील आ गोटे जो लिटरेसी मैंने अनएजुकेटेड झील अनएजुकेटेड झील जो मैंने सब गरीब जो बिलो पॉवर्टी लाइन अच्छा से अठर वर्ष जाए बाहर ना आठ पढ़ा झील कहीं अठर वर्ष ना बैश वर्ष ना पचीस वर्ष ना तीस वर्ष मैंने क्यारिययर ओरएंटेड था निजी क्यारिययर स्टाण कर बाहर बेलू कौन कौन देखते जानते गुड एजुकेशन बैंक बैलेंस कास्ट हैज ए गुड जॉब कैन सी कुक से रोसे करी पारे हैज ए बिग बंगलो घर अच्छी ना ना आ स्मार्ट ए सब जिनस गोटे म्यारेज क्राइटेरिया बर्तमान बनी जाइए बर्तमान यहाँ कौन कहला हाई सोसाइटी जो मैंने कहते गरीब झील मैंने जो समाज पूरा विभक्त होती दुई भाग में तो से जो समाज में जो गरीब श्रेणी अच्छे से अठर वर्ष में पाठ पढ़ा चाहते मैंने जस्ट कलेज पास कर किसी निजी तैयारी कर जो एज रे बापा मैंने कहना जो समाज से मैंने रोचान अरे तो झील अठर वर्ष होगा बाहर करूनी कि जो व्याधि आम जो एज देखिए जो कहु जो कह एक वर्ष तो झील पाखे गोटे जो कहते आम सामाजिक कन्सीयसने जो रही है आम सामाजिक जो गोटे कंजर्वेशन चिंताधारा को बदले गोटे यूनिफॉर्म एज मानते पुअर एक जो क्या कहे उत्तर पाने पचार मैडम यही पचारना को आपको दुई प्लेज आईन सब अनेक आईन तैयारी ये आईन तैयारी होती कितु जो आईन टाक बुझापी जो लोकर क्षमता नहीं समाज ऊपर श्रेणी पाखक मुझे बिलकुल जीवनी एम जाणीशुणी करती बहुत जिनस कितु जो तल श्रेणी लोक सी नियम आईन कानून बुझीपारे पाखे एमती आईन तैयारी होम एवं आलोचना करुच्छे हे तो सी भी जापार से मलकानगि से नयगढ़ उपात अंचल से लोकटी कथ कह जार घर चार पांच झील अच्छा भालेना प्रकृत से लोक मैं आम केमी बुझेबा जे झील मैंने एक्चुअली बोझ नुहंती एमाने जदि एमानकु टिकिए एको स्वप्न साकार करियाकु टिके दे दिया जेबो ना एमानको डेणा लागि जेबो एमारे बहुत आगो को जाई परिबे से तळ श्रेणी रो लोकटा को आमे केमिति बुझे पारिबा जे निश्चिंत से माने स्लोली बुझिलेनी आपण देखि जेबे बहुत इंटीरियर एरिया रु आज स्पोर्ट्स पर्सन मु कहयाकु चोंची बहुत झील को कलिंग स्टेडियम छड़ा हो खेलिया जो मैंने ओडिया लैंग्वेज भी ठीक से कही पार ना जमीती किस आसिकी बहुत छुआ पाठ पढ़ुं जो मैंने ओडिया लैंग्वेज जानना प्रॉपर्ली ओडिया टीचर रखाई से ओडिया कन्वर्सेशन शिखे बोली तो मुझे से माइंड सेट अप चेंज है बट गोटे जिनस मुझे फिल करुच्ची आम मैंने केक्स ठीक से खोलिक कही ना तो सेठी जो लोक मैंने बापा माँ बस चाहिए भावुं झीटी मोर बड़गला सी काले सेक्स आडिक्टेड आउ कड़े जीव समाज में मो ना खराब हम से भाविक से दृष्टि कि आउ कौन से असुविधा सम्मुखीन हेल्ले मो झी को कहीं बाहर से डर से कम एज रे बाहर कर दे लोक आखिरे जो झीटे आसी जाए सी भावे बापा माँ पेरेन्ट्स टी भाई थाए से भारी इनसिक्योर हो जाए एक्जाक्टली बढ़िया पॉइंट इनसिक्योरिटी दूर करने को सेक्स ऊपर तंगो एजुकेशन दबा निहाती ये गोटे बड़ा पॉइंट कहले मगर बहुत कम समय प्रकृति मोनालिसा मैडम कर शेष मतामत भी टिके नै जे बढ़िया पॉइंट कहले भालेना एक्चुअली ये गोटे कोना कोडी लुची छपी कि ये कारण होछ जोटा आमे मारे केबे आलोचना करनतेनी आपण आईन कहले द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 रे एटा गोटे आईनगत अपराध कहला आपण कहले गोटे परिवार काहे कि बाहर आमर सामाजिक जो कहते सेफ्टी
ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଭୁଲ କରିଛି। ସେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାଟା ଗୋଟେ ଝିଅ ଘରେ ଯଦି ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାବେ, କାରଣ ଆପଣ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଦିନ ବାଇ ଦିନ ଯେଉଁ ମାନେ ସେକ୍ସୁଆଲ ଭାଇଲେନ୍ସ ଚାଲିଛି ସମାଜରେ, ରେପ୍ ଚାଲିଛି, ସେକ୍ସୁଆଲ ଭାଇଲେନ୍ସ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆମେ ବାହାଘର କରିଦେବା ସେଠି ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଯଥାର୍ଥ କି ଆମର ଡାଉରୀ ପ୍ରୋହିବିସନ କେବେଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡାଉରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ବ୍ୟାଧି ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଡାଉରୀକି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଜିରୋ, ଆମର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଉ ଡାଉରୀ ୱାର୍ଡ ରହିବନି, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଝିଅ ସେଫ୍ଟି ହେବ। ତାପରେ ରହିଲା ଭାଇଲେନ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ସକାଳୁ ସେ ବାହାରିକି ଯାଉଛି ତା ମାଆର ମନରେ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି ସେ କେମିତି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ସେଫ୍ଟିଟା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସେ ସବୁ ସେଫ୍ଟିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କଭର୍ସ କରିଦେବା ସମାଜର, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କରିଦେବା, ଆମେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହବ ସେ ପ୍ରଥମେ ବାହାଘର ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେ କହିବ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହବ। ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ସେ ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବନି, କାରଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ଟାକୁ ସେ, କାରଣ ତା ଝିଅ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିବ, ତା ଉପରେ ଡିସିସନ୍ ସେ ଝିଅ ଉପରେ ରହିବ, ବୋଝ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବନି, ସେଇଟା ଝିଅ ପାଖକୁ ପଳାଇ ସମାଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ବାଲେ ନା, ଶେଷ ମତାମତ ଖୁବ୍ ଚୁମ୍ବକରେ ନେବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଯେଉଁ ମାନସିକତାଟା ନା, ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଅଲଗା, ଦି ଜଣ ସମାନ ନୁହେଁ, ଇଏ ଆଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ସମାନ ମଣିଷ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ବୋଧ ହୁଏ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆରାମସେ ପ୍ୟାକେଜ ଡିଲ୍ରେ ଆସିଯିବ। ମୋ ମତରେ ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁଟା ନେଇଛନ୍ତି ଡିସିସନ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା 21 ଆଉ 25 କରିଦେଲେ ବେଶୀ ବେଟର ରହିବ। ଆଇନକୁ ଲୋକ ଡରନ୍ତି, କିଛି ଦିନରେ ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆକୁ ମାନିବେ। ଆଉ 21 ଝିଅ 21 ପୁଅ 25 କଲେ ଝିଅର ଏଜୁକେସନ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ଝିଅ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବ। ଠିକ୍, ଏବଂ ମନାଜିମା ଶେଷ ମତାମତ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ନେବି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ 21 25 ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ହେଇଯାଏ ନା, ନିଜେ ଇକୋନୋମିକ୍ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ହୁଏ, ମାନେ ମୁଁ ଘରେ ମୁଁ ନିଜେ ଇନକମ୍ କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ କରେ ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ତମ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବଢ଼େ, ତେଣୁ 18 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ କୌଣସି ଝିଅ କରିନଥାଏ, ତା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର, ଆଉ ସେ ସମୟ ତାଙ୍କ ଘର ବାପା ଲୋକ ମାନେ ବାପା ଘର ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଜ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଏଜ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲାଗୁ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତ ପାଇଁ, କାରଣ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁ ଜାତି ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏଜ୍ ରହିବ। ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଏତିକି କହିପାରିବା ଭାଲେନା ଏବଂ ଗମନାଲିସ, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥାରୁ ମୁଁ ଏତିକି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିପାରିବି ଯେ ଯଦି ଅନ୍ତତଃ 21 ବର୍ଷ ଝିଅର ବିବାହ ବୟସ କରିଦିଆଯାଉଛି, ତାର ପାଠପଢ଼ାଟା ଅନ୍ତତଃ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଇଯାଇଥିବ, ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଥିବ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିଗ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହଉ ବା ଇକୋନୋମିକାଲି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇପାରିବି, ତାକୁ ନେଇକି ଆଗରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା କଥା କହୁଛେ, ଯେଉଁ ଅସମାନତା କଥା କହୁଛେ ବା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହୁଏ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କଥା, ଏସବୁ ବହୁତ ହୁଏ ଆପେ ଆପେ ହିଁ କମିଯିବ, କାରଣ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ ଗୋଟେ ମହିଳାଟା ବା ଗୋଟେ ନାରୀଟେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ବୁଝୁଛି ଆଉ ତା ପରିବାରକୁ ବୁଝୁଛି, ସମାଜକୁ ବୁଝୁଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସବୁ ଇଣ୍ଟର ମେଙ୍ଗଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ବା ଇଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ଡ କୁହାଯାଇପାରିବ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାଲେନା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ଏବଂ ମୋନାଲିସା ଗନ୍ତାୟତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।